ये है यहाँ का फेमस कैथेड्रल चर्च ब्रिज है, और ये देखिए पीछे बहुत सारे लॉक लगे हुए। ऐसा माना जाता है कि लॉक का जो टोटल वेट है वो कुछ 10 टन या और भी ज़्यादा है। हम लोग अभी निकले हैं, ये कोलोन का जो स्टेशन है मेरे पीछे वो दिख रहा है, और जैसे ही हम लोग बाहर निकले सामने ही आपको एक यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट साइट सीन बताऊँ, कैथेड्रल। तो ये जो है पीछे यहाँ का कैथेड्रल दिख रहा है हम लोग के पीछे, और अभी हम लोग जाएंगे टैक्सी पकड़ के हमारे होटल और फिर मिलते हैं आपको। ये है हमारा होटल, मर्क्यूर होटल इसका नाम है, और बाहर कुछ ऐसा दिखता है। ये यहाँ पर पार्किंग है, ये मेरा जो होटल है मर्क्यूर होटल कोलोन जर्मनी में, उसका मैं आपको टूर करवा देता हूँ। सो जैसे ही एंट्रेंस होते हैं, ये एक टेबल लैम्प है, और यहाँ पर एक ऑलमोस्ट टीवी है, डेस्क है, वर्क डेस्क है, और यहाँ पर बाहर आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। और ये बेड है, सिंगल बेड, और यहाँ पर डबल बेड, और यहाँ पर ये है वॉशरूम, बाथटब छोटा सा है। हम लोग जर्मनी में कोलोन के ट्राम में हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आए हैं कोलोन में एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है गिनती एंड मोर। सो देखेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या हम लोग ने ऑर्डर किया। तो ये है यहाँ का पानी पूरी जर्मनी का इंडियन रेस्टोरेंट, जेना इज वेरी हैप्पी। तो ये हम लोग का ऑर्डर आ चुका है, ये है पनीर मखनी, मटर पनीर मसाला, ये है दाल तड़का, दाल और राइस। कलरफुल ट्रेन जाती हुई ब्यूटीफुल लग रही है। इतना ब्यूटीफुल एरिया है, ये देखिए ये मॉन्यूमेंट और कैथेड्रल, और इसके एकदम साइड में जो है वो रिवर है, काफी सारे टूरिस्ट है अभी। तो मेरे पीछे जो है वो यहाँ का फेमस ब्रिज है, और ये देखिए पीछे बहुत सारे लॉक लगे हुए। ऐसा माना जाता है कि लॉक का जो टोटल वेट है वो कुछ 10 टन या और भी ज्यादा है। बहुत सालों से बहुत सारे लॉक है, और मेरे पीछे देखिए ये कैथेड्रल, और अभी थोड़ा वॉक करते हैं। राइन रिवर है, उसके जो दोनों किनारे उसको लगकर ये ब्रिज है, ये देखिए रिवर है, और मेरे पीछे कैथेड्रल, और ये जो पूरे कलरफुल लॉक्स है। भैया मैं आगे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए ये नज़ारा राइन रिवर का, ब्रिज पर हूँ, और ये बहुत सारी बोट्स है, ब्यूटीफुल है, और यहाँ से आप पूरी रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। और ये देखिए ये सब ब्लॉक्स कलरफुल, ये जो पीछे है वो रेलवे के ट्रैक्स है, और सामने शायद आपको दिख रहा होगा ये जो है वो ट्रेन है। ये है यहाँ का फेमस कैथेड्रल, चलिए इसका एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। कितना बड़ा ह्यूज है, यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट कैथेड्रल्स है, और वो वर्ल्ड वॉर टू में टोटली ख़त्म हो गया था, और 1955 के बाद उसका पूरा रिस्टोरेशन हुआ है। और अभी तो देखेंगे तो इतना बड़ा जैसे मेट्रो दिख रहा है। मैं फ्रैंकफर्ट गया हूँ, ये ऑलमोस्ट फ्रैंकफर्ट जैसा लग रहा है मुझे, ये देखिए अंदर का जो आर्ट है, अमेजिंग आर्ट है। और इसके पीछे जो है वो
ये कैथेड्रल के एकदम पीछे राइन रिवर है। आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा, सामने वो पूरा स्टेशन है। दोपहर के 2:30 बजे अभी। सो अभी हम लोग का जो कोलोन का जो सफ़र है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अभी हम लोग का नेक्स्ट ट्रेन जो है वो अभी हाइडलबर्ग का है और ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम लोग को भागना पड़ेगा। लेकिन ये मॉन्यूमेंट जो है यहाँ का फेमस ओल्डेस्ट चर्च जो है उसके बाजू में जैसे मैंने बताया स्टेशन है। मिलेंगे हम आपको हैदराबाद में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और बाय बाय। सी यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही कुछ वीडियो देखने के लिए। बाय बाय। प्लीज होल्ड मी इन दी माय इमोरल लव।